प्यारे बच्चों, आज की एक कहानी जो जीवन की बहुत महत्वपूर्ण कहानी है और जो विषय आज हमने लिया है वह भी हर एक व्यक्ति का एक जीवन का आवश्यक हिस्सा है। कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे तो उसका हमें जो मॉरल है वह भी समझ में आएगा। सांकेतिक भाषा यहाँ पर ली गई है उसके मर्म को समझाने की, व्यक्ति के जीवन में शांति कैसे मिले और शांति का महत्व क्या है। एक नगर में बहुत अपार संपत्ति का स्वामी एक सेठ मन की शांति के लिए एक साधु के पास गए और बोले कि मेरे पास पैसा बहुत है लेकिन शांति नहीं है। साधु ने कहा, जैसा मैं कहूँ उसे चुपचाप करना, इससे तुम्हें मन को शांत करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु सेठ को सारे दिन धूप में बैठाकर कुटिया में चले गए। शाम तक सेठ बेहाल हो गए लेकिन चुप रहे। अगले दिन फिर साधु ने सेठ को धूप में बैठाया और उसे भूखा रखा। सेठ फिर भी चुप रहे। लेकिन तीसरे दिन जब फिर साधु ने उसे बाहर बैठने को कहा तो सेठ गुस्से के कारण वहां से जाने लगा। उसने साधु से कहा कि महाराज, मैं यहां बड़ी आशा लेकर आया था किंतु मुझे शांति तो मिली नहीं, उल्टे परेशानी का ही सामना करना पड़ा। इस पर साधु ने कहा, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी लेकिन तुमने उसे ग्रहण ही नहीं किया। याद करो कि जब मैंने तुम्हें पहले दिन धूप में बैठाया और स्वयं कुटिया में बैठा तो उसका अर्थ था मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आ सकती। इसके बाद दूसरे दिन तुम्हें भूखा रखकर मैंने स्वयं भरपेट भोजन करके तुम्हें यह समझाने का प्रयास किया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात इसका सीधा अर्थ यह है कि तुम्हें अगर शांति चाहिए तो अपने मेहनत से ही उसे प्राप्त करना होगा। यह सुनकर सेठ को ज्ञान हुआ कि जिसकी खोज में वह परेशान था वह तो उसके भीतर ही छिपी हुई है। कई बार हम बहुत अथाह प्रयत्न करते हैं तो भी हमें शांति नहीं मिलती है, क्योंकि बाहर का जो आवरण है, परिवेश है, वो हमें विचलित करता है हमारे लक्ष्य से। तो जब हम अपने आप को भीतर ले जाते हैं, अंतरात्मा की गहराइयों में ले जाते हैं और महसूस करते हैं, तब हमें चिर शांति थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगती है और चित्त शांत होने लगता है। क्योंकि बाहर का जो वातावरण है कई बार हमें बेचैन करता है, अशांत करता है, लेकिन जैसे जैसे हम दृष्टा भाव से अंतर्मन की यात्रा शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वह अशांत वातावरण हमें शांत प्रतीत होने लगता है और हम धीरे धीरे विषम से विषम परिस्थितियों में भी शांत चित्त रहते हैं, तनिक भी विचलित नहीं होते हैं। तो इसका हमें जीवन में धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना होगा। कम से कम जीवन के 5 से 10 मिनट प्रतिदिन सुबह और शाम अपने लिए निकालें। एक आसन पर बैठ करके हमारे जो सांसें चल रही हैं, गहरी सांसों को छोड़ते हुए लेते हुए उन पर ध्यान लगाते हुए, सभी चीज़ों से डीअटैच करते हुए उन पर ध्यान केंद्रित करें हम, तो धीरे धीरे जो हमारी बेचैनी है, जो हमारा मन अशांत है, चारों तरफ हमें शोर सुनाई दे रहा है और धीरे धीरे वह हमें शांति में बदलता हुआ महसूस होगा। और जब हमारा चित्त शांत होगा, हमें शांति महसूस होगी, तो हमारे निर्णय मजबूत होंगे। निर्णय मजबूत होने से हमारी सफलता निश्चित होती है, हम जीवन में सफल होते जाएंगे, त्रुटियां नहीं होंगी हमारे जीवन में और शांत चित्त से लिए गए निर्णय, शांत चित्त से किए गए कार्य कभी भी आपको जीवन में परेशानी नहीं दे सकते हैं। इसलिए बहुत संभल करके हमें जीवन जीना है,
सतर्कता के साथ समय व्यतीत करना है और हर पल हर लम्हे का पूरे हर्षोल्लास के साथ जोश के साथ हमें जीना है। शांत चित्त रहने से विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी हम संभल जाते हैं और हम हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। यदि हम शांत हैं तो हम प्रसन्न चित्त हैं। कई बार क्या होता है कि जब पानी में लहरें होती हैं तो हमें उसमें कोई भी बिंब दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही पानी की लहरें शांत होती हैं, पानी ठहरा हुआ होता है, उसमें जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब उसमें दिखाई देने लगता है। ठीक उसी तरह से हमारे अंदर मन है, चित्त है, जब ये अशांत होते हैं तो उसमें हमें कोई भी अच्छाई और कोई भी सुंदरता दिखाई नहीं देती है, लेकिन जैसे ही हमारा चित्त मन शांत होता है तो हमें हमारी पावर, हमारी शक्तियाँ पहचानने में आ जाती हैं और हम फिर ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लोग आश्चर्य करते हैं और इसका कारण सिर्फ यही है कि जो भी हमने कार्य संपादित किया वह शांत चित्त होकर के शांत मन से किया। धीरे धीरे हम इसका भी अभ्यास करेंगे और जीवन में सफल होंगे।